रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से नेटो समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे और इन प्रतिबंधों का उद्देश्य था कि रूस की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाए, जिससे उसकी यूक्रेन में सैन्य ताकत भी कम हो और वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन मॉस्को पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने के बावजूद पुतिन की सेना यूक्रेन में नहीं रुकी और वो लगातार यूक्रेन को मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उन तमाम प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर पड़ा। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बैरबॉक ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस पर इसका आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और ऊपर गई है। बैरबॉक का कहना है कि हमने सीखा है कि सभ्य सरकारों के बीच सहमत तर्कसंगत निर्णयों तर्कसंगत उपायों से इस युद्ध को समाप्त करना संभव नहीं है। आर्थिक प्रतिबंधों का एक आर्थिक असर होना चाहिए, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का तर्क निरंकुश तानाशाही में काम नहीं करता है। आपको बता दें कि जर्मनी की विदेश मंत्री ने ये बात एक किताब के लिए दिए गए इंटरव्यू में कही है। हालांकि पश्चिम के कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रूस की विकास दर सिर्फ वॉर इकोनॉमी में हुई है और उसने तेजी से हथियारों और गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाया है, ये विकास टिकाऊ नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम के प्रतिबंधों के बाद रूस किसी भी पश्चिम देश से व्यापार या कोई लेन देन नहीं कर सकता है, लेकिन वो किसी तीसरे देश के जरिए युद्ध में काम आने वाली टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट कर रहा है और यही वजह थी कि यूरोपीय संघ ने तीसरे देशों के माध्यम से रूस को माइक्रोचिप्स जैसी संवेदनशील प्रौद्योगिकी के पुनः निर्यात पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसका उपयोग रूस युद्ध के मैदान में कर सकता है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। विश्व बैंक, IMF और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में रूस के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 2.1% की गिरावट आई थी। वहीं युद्ध की शुरुआत के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए थे, जिससे रूस ने काफी पैसा कमाया था। हालांकि दिसंबर 2022 में रूस से तेल आयात पर बैन लगा था, जिससे रूस की कमाई पर असर पड़ा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक जनवरी 2023 की पहली तिमाही में रूस की तेल से होने वाली कमाई में 40% से ज्यादा की गिरावट आई थी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, G7 देशों और ऑस्ट्रेलिया में रूसी केंद्रीय बैंक के 300 अरब यूरो से ज्यादा की संपत्ति ब्लॉक है। सभी बैंकिंग सिस्टम से 70% एसेट पर प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा 20 अरब यूरो की संपत्ति जो 1500 से ज्यादा व्यक्तियों और कंपनियों की है, उसको फ्रीज किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद रूस लगातार मोटी रकम कमा रहा है और पश्चिमी प्रतिबंधों का उस पर असर भी नहीं हो रहा है।